हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास MSI ऐप प्लेयर में ये एरर आ रहा है, इनकम्पेटिबल विंडोज सेटिंग द लॉन्च MSI ऐप प्लेयर, यू मे इधर चेंज योर विंडोज सेटिंग, तो इस एरर को आप कैसे इजीली रिमूव कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। फिर दोस्तों आपको यहां पर अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको यहां पर टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं .NET फ्रेमवर्क 3.5 और .NET फ्रेमवर्क 4.8, इन दोनों बॉक्स में आपको चेक करना है। फिर आपको यहां पर स्क्रॉल करना है, यहां पर आप देख सकते हैं वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, इस वाले बॉक्स में भी आपको चेक करना है, और यहाँ पर विंडोज़ हाइपरविजर प्लेटफॉर्म, इस वाले बॉक्स में भी आपको चेक करना है। फिर आप जो है यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके पास ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है विंडोज़ के सर्च बार में टाइप करना है MSI ऐप प्लेयर, फिर आपको इसको राइट क्लिक कर ओपन फाइल लोकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MSI ऐप प्लेयर शो हो रहा है, तो आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहां पर प्रॉपर्टी पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहां पर कंपेटिबिलिटी टैब में आना है, और यहां पर इस बॉक्स में आपको चेक करना है रन दिस प्रोग्राम इन कंपेटिबिलिटी मोड, और आपको जो यहां पर इस वाले बॉक्स में भी चेक करना है रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके ओके के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फिर आप अपने PC को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप MSI ऐप प्लेयर ओपन कीजिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।